जब चलने को हुआ अयोध्या से, गुरु जी से बोले कि मैं प्रातःकाल बन राम जी के पास जाऊंगा, उसके बाद एक चौपाई है। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव मैं जानता हूं कि मैं सब अनर्थ का कारण हूं, अयोध्या में जो उत्पात हुआ है सब मेरे कारण ही हुआ है, लेकिन एक बात का मुझे विश्वास है गुरुदेव। गुरु जी पूछे क्या? भरत जी बोले, गुरुदेव जैसे मैं अपने भैया के सन्मुख पहुंचूंगा ना, मेरे रघुनाथ जी अपने इस पापी भाई के समस्त पापों को भुलाकर और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। गुरुदेव ये मुझे भरोसा है, वो मेरा त्याग नहीं कर सकते। मोही रघुबीर भरोसा, ये भरत जी का विश्वास है, इसीलिए रघुनाथ जी का भी विश्वास है कि मेरे भाई को कभी अभिमान नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी को ग्लानी हुई, मैंने भरत भैया में दोष देखा। प्रातःकाल भरत जी जगे, उधर गुरुदेव भगवान से माताओं से अनुमति लेकर पहले भरत जी शत्रुघ्न भैया निषाद राज गुह के साथ राम जी से मिलने चले। एक ऊंचे टीले पर चढ़कर निषाद राजगुह ने भरत जी को रघुनाथ जी की कुटिया का दर्शन कराया। भरत जी पागल हो गए देख के। कुटिया के भीतर एक बरगद का वृक्ष है, वृक्ष के नीचे चबूतरा बना है, चबूतरे पर राम जी सीता जी बैठे हैं, लक्ष्मण भैया चबूतरे के नीचे बैठे हैं ऐसे हाथ जोड़ के। राम जी ने लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न किया है और लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। निषाद राजगु भरत जी को लेकर भगवान की कुटिया के द्वार पर पहुंचे। बोले, भरत जी वो देखिए आपके भैया बैठे हैं भीतर, दिख रहे हैं ना, चले जाइए। भरत जी बोले, भीतर नहीं जा सकता। क्यों? अब ये पापी मुख दिखाने लायक नहीं रहा किसी को, कैसे मैं मुख दिखाऊंगा रघुनाथ जी को? लाठी देखें आप लोग, लाठी, गोस्वामी जी कहते हैं लाठी को खड़ा करके छोड़ दीजिए, और जैसे लाठी खड़े खड़े धरती पर गिर जाए, भरत जी भगवान की कुटिया के सामने अपने हाथों को ऊपर किए और लाठी की तरह खड़े खड़े गिर गए। अब बोले, पाहिना कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट की। पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहि माम प्रभु त्राहि माम कह के भरत भैया खड़े खड़े गिर पड़े। लक्ष्मण जी सुन लिए कि भरत भैया बोल रहे हैं। अब आप सोचिए, लक्ष्मण जी सुन लिए तो क्या रघुनाथ जी नहीं सुने होंगे? राम जी सुन के भी नहीं उठे। क्यों? मानो लक्ष्मण जी से बोल रहे हो, लक्ष्मण ये मेरा वही भाई है जिसको आप मारने जा रहे थे, मुझे बुला रहा है। अब लक्ष्मण जब तक आप नहीं कहोगे मैं भरत को उठाने तक नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने धरती पर सिर रख के प्रणाम किया और राम जी से बोले, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। अब यहां दर्शन करिए भगवान के वेग का। लक्ष्मण जी के मुख से भरत शब्द निकला। क्या निकला? भरत, भरत। भगवान कितने वेग में गए, लक्ष्मण जी के मुख से भ निकला तो राम जी खड़े हो गए।
रॉ कहते तब तक राम जी जा चुके थे, और जब तक लक्ष्मण जी भरत का तौ बोलते तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। बाबा कहते हैं भगवान उठे, उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा। भगवान इतने वेग में गए भरत लाल जी के पास कि राम जी के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण और कमर का निसंग जिसमें बाण रखा जाता है, ये चारों शरीर से गिर गए। क्यों गिर गए? भरत जी भी चार वस्तु छोड़कर आए थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। राम जी भी चार वस्तु छोड़ के दौड़े हैं। जितना त्याग करके हम और आप भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ जाएंगे। ये प्रसंग कहता है, उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा। ये पटका लक्ष्मण जी के पास गिर गया। राम जी तो चले गए, पटके ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जी आपको पता चला हम क्यों गिर गए? राम जी जाएंगे, भरत जी को उठाकर हृदय से लगाएंगे। यदि हम राम जी के शरीर पर रहते और राम जी भरत जी को गले लगाते तो हम दो भाइयों के बीच में दीवार बन जाते। आज लक्ष्मण जी, भाई जब भाई से प्रेम करे ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा। धनुष बाण गिरे हैं। धनुष बाण ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आप तो धनुष पर बाण चढ़ा के भरत जी को मारने जा रहे थे, लेकिन दर्शन करिए राम जी गए तो हम नीचे गिर गए। क्यों? लक्ष्मण जी, भाई जब भाई से मिलने जाता है ना, हाथ में हथियार लेके नहीं जाता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर भाई के पास जाता है, इसलिए हम नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा। राम जी पहुंचे भरत जी के पास और लगे भरत भैया को उठाने, लेकिन यहां दर्शन करिए भरत जी उठ नहीं रहे हैं। क्यों? भरत जी सोच रहे हैं जैसे उठूंगा ये पापी मुख भैया के सामने चला जाएगा। राम जी कहें, भरत यदि आप अपना मुख दिखाना नहीं चाहते हैं तो मैं कहता हूं आपका मुख मैं देखूंगा नहीं भाई, लेकिन एक बात कहूं भरत, जब तक आप मेरे हृदय नहीं लगेंगे तब तक आपके भैया के हृदय की पीड़ा समाप्त नहीं होगी, इसलिए एक बार हृदय लगिए। और आप दर्शन करिए, रघुनाथ जी ने मुख नहीं देखा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बर बस लिए उठा, बरबस यानी जबरदस्ती, भरत जी उठ नहीं रहे, बरबस लिए उठाई और बिना मुख देखे तुरंत उर लाए कृपा निधान। भरत जी को उठाए, अब बिना मुहुआ देखे हो रघुनाथ जी गले लगा लिए, गले लगने के बाद मुख पीछे चला जाता है, और दोनों भैया गले लगकर भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब अपा। भरत भैया और रघुनाथ जी आज गले लगकर माई बाप इतना रोए हैं, दोनों भैया गले लगकर। गोस्वामी जी कहते हैं दोनों भाइयों के इस वियोग को, प्रेम को देखकर वहां जो पत्थर थे नीचे,
सारे पत्थर मोम की तरह पिघलने लगे। आपको ये बात सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन सत्य है, प्रमाण आज भी है। कभी समय मिले तो चित्रकूट जाइएगा, कामतगिरी की जब आप परिक्रमा लगाएंगे और जैसे पश्चिम दिशा में जाएंगे तो वहां राम जी की कुटिया का स्थान आज भी है। और भरत जी और राम जी के मिलन के देखकर जो पत्थर पिघले थे मोम की तरह, वो पत्थर आज भी वहां सुरक्षित रखे गए हैं। सरकार ने दीवाल बनाकर उनको घेर दिया है। लोग जाते, मैंने दर्शन किया है, जैसे मोम पिघलता है पत्थर पिघल गए। अब आप कल्पना करिए, जिस प्रेम का दर्शन करके पत्थर पिघल गए हो, वहां जो जीवित बचे होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी जी तो अपन कलम रख दिए, बोले मेरे बस का नहीं है इस प्रेम की व्याख्या करना। सो मैं कुमती, अपने को कहते हैं गोस्वामी जी कुमती, कहों के भांति। मैं कैसे लिखूं भरत जी और राम जी के प्रेम को। चारों भैया मिले, भरत जी शत्रुघ्न जी सीता जी से मिले, निषाद राजगुरु ने सूचना दी पूरा परिवार आया है। राम जी दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान से मिले, और गुरु जी से मिलने के बाद पता है राम जी किससे मिले? कहिए, अपनी कौशल्या मैया से नहीं मिले, अपनी कैकेयी मैया से मिले। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने प्रणाम नहीं किया, प्रथम राम भेटी कैकेयी। सबसे पहले राम जी ने माँ कैकेयी को भेटा। राम जी माँ को भेटेंगे नहीं, राम जी माँ को दंडवत करेंगे। राम जी ने कैकेयी जी को प्रणाम ही किया था, जैसे रघुनाथ जी माँ कैकेयी को तो विश्वास नहीं था कि कौशल्या को छोड़ के राम मुझे प्रणाम करने आएगा पहले। और जैसे राम जी ने माँ कैकेयी को प्रणाम किया, माँ ने अपने आंचल से राम जी को देखा, माँ अपने आप को रोक नहीं पाई हो कैकेयी मैया, रघुनाथ जी को उठाकर माँ ने गले से लगा लिया। आप जब किसी के गले लगते हैं माई बाप, तो सामने वाले का मुख आपके कान पे चला जाता है और आपका मुख सामने वाले के कान पे चला जाता है। कैकेयी मैया ने रात, अब भरत मुझे माँ नहीं कहता है, कोई मेरे से बात भी नहीं करता है राम, इस हजारों की भीड़ में तुम्हारी माँ अकेली हो गई है। राम जी ने कहा, माँ संसार तुमसे बात न करे तो क्या हुआ, देखो आज राम आया तो राम सबसे पहले अपनी माँ कैकेयी के ही पास आया, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। माँ को भरोसा हुआ, सभी माताओं को प्रणाम करके राम जी सबको लेकर गए चित्रकूट। और आपसे बताऊं, चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई है। कितनी? 5। पहली बैठकी जाते समय भई, तुरंत गुरुदेव ने जगत की नाई चर्चा करके पूरी सूचना राम जी को दी, आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। दूसरी बैठकी 2 दिन बाद भई, अयोध्या के लोग आपस में बैठे, गुरु जी ने कहा कि मेरी बात यदि मानते हैं आप लोग तो मैं कहता हूं राम राजा है। और यहां देखिए, गुरुदेव ने पूरा खोल के रख दिया। गुरु जी ने कहा राम जीव नहीं है, राम भगवान है, राजा राम स्वबस भगवान। और ऐसे वैसे भगवान नहीं है, राम ऐसे भगवान है कि त्रैलोक्य उनकी आज्ञा का पालन करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्रमा सूर्य पवन पावन यम दिगपाल सब राम की आज्ञा का पालन करते हैं। मैं रघुकुल का गुरु हूं, यदि मेरे से आप लोग उपाय पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि राम की ही आज्ञा का पालन करने में हमारा आपका सबका हित है। क्या किया जाए? भरत जी बोले, गुरुदेव आप कहिए क्या किया जाए। गुरु जी बोले, भरत यदि आप तैयार हो जाएं
राम के स्थान पर आप और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 साल के लिए बन जाने को तैयार हो जाए ना, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके वापस चला जाऊंगा। यदि आप दोनों भाई 14 साल वन में रह जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके चला जाऊंगा। भरत जी सुने तो नाचने लगे, कहे गुरुदेव इस पापी के यदि वन में जाने से रघुनाथ जी वापस चले जाएंगे गुरुदेव, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं गुरु जी, मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा गुरुदेव। फिर भरत मैं जीवन भर के लिए वन में रह जाऊंगा गुरु जी, मैं लौटूंगा ही नहीं अयोध्या गुरुदेव। कानन कर जन्म भर बासु, पूरा जीवन वन में बिता दूंगा। एही ते अधिक नमो सुपासु। भरत जी ने कहा कि जीवन पर्यंत वन में रहूं जा रह जाऊंगा, गुरुदेव की मति हेरा गई। क्यों? इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। उनकी बुद्धि हरा गई, कुछ नहीं बोले, सबको लेकर राम जी के पास गए। राम जी बोले क्या आज्ञा है गुरुदेव? गुरु जी बोले राम मैं अब आज्ञा देने लायक नहीं बचा, तुम्हारे भाई भरत के प्रेम ने मेरे सोचने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। राम मैं तो कहता हूं जो भरत बोल रहे हैं वही कर लिया जाए अब। राम जी बोले ठीक है गुरुदेव, मैं भी कह रहा हूं जो भरत बोल रहे हैं वही मैं करूंगा। गुरु जी ने कहा भरत जी से, बाबू अब इससे सुंदर अवसर नहीं मिलेगा बेटा, आपके भैया बोल दिए हैं आप जो बोलेंगे वो करेंगे, आज जो जो बोलना है बोल जाओ। भरत जी खड़े हुए, कहे गुरु जी एक उपाय हमको बताए हैं भैया, कहिए तो वही मैं बता दूं। राम जी बोले कहो। भरत जी बोले भैया अरे हमार भैया जी हो हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी ए हमार भैया जी हो हमार भैया जी ए हमार भैया जी हो हमार भैया जी हम बने रहे द घरे जा हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा। राम जी बोले अकेले कैसे रहोगे? बोले अकेले ना भैया, शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम, शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम, राखी भाई के दुलार ए हमार भैया जी, राखी भाई के
बोले कि मैं और शत्रुघ्न दोनों भाई वन में रहेंगे जीवन भर। राम जी बोले नहीं हो सकता ये, मैं नहीं रहने दूंगा आप दोनों को वन में। अब भरत जी कहा बोले तो बहुत सोच के बोले, नाही मन बाथ तो हमारो के राख साथ, नाही मन जैसे दीन वैसे चार, ए हमार भैया जैसे दीन वैसे चार, ए हमार भैया हम के बने रह हमके बन रहे दघर, हमके बन रहे दघर, हमके बन रहे दघर जा। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी ने तीन बात कही, लक्ष्मण को छोड़िए मुझे साथ में रखिए, दूसरी बात आप तीनों वापस जाइए हम शत्रुघ्न वन में रहेंगे, तीसरी बात आप माँ को लेके चले जाइए हम लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों वन में रहेंगे। भगवान सोच में पड़ गए क्या कहे, तो लक्ष्मण भरत जी ने देखा कि मेरे कारण भैया को सोचना पड़ रहा है। भरत जी पांव पकड़ लिए, कहे प्रभु मैंने जो कहा सब भूल जाइए, मैंने कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला हूं प्रभु। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जैसे आपका मन प्रसन्न हो, करुणा सागर प्रभु मन प्रसन्न हो आप करिए। इसी बीच जनक जी का समाज आया, राम जी ने खूब स्वागत किया। सीता जी की मां सुनैना जी जाकर कौशल्या जी से मिली, कौशल्या जी ने कहा महाराज जनक से कहिए कि वो राम को राम के साथ लक्ष्मण को छोड़े भरत को साथ में रख ले। जब सुनैना जी ने ये बात जनक जी से कही तो जनक जी कहे चिंता मत करो, जितना मैं जानता हूं भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। फिर सभा बैठी, चौथी सभा, सब एक दूसरे पर भार टालने लगे तो लक्ष्मण जी बोले, भरत जी बोले भैया मैं बोलूं मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप जो आज्ञा देंगे प्रभु मैं उसका पालन करूंगा। राम जी बोले भाई आप अपने धर्म को भी जानते हैं और मेरे धर्म को भी जानते हैं, आप पिताजी के सत्य को जानते हैं, प्रेम को जानते हैं, उनकी कीर्ति को जानते हैं। भरत यदि संध्या से पहले सूर्य अस्त हो जाए तो कहिए संसार में किसको कष्ट नहीं होगा। वैसा ही उत्पात अपने घर में भया, समय से पहले पूज्य बाबूजी चले गए, लेकिन भरत अभी हम और आप अनाथ नहीं भय हैं। देखिए ना पिता के रूप में जनक जी महाराज बैठे हैं और भगवान के रूप में साक्षात गुरुदेव भगवान अभी बैठे हैं, हम और आप अनाथ नहीं भय हैं। हम तो एक ही बात कहेंगे भरत अपने धर्म का आप पालन करिए और मेरे से मेरे धर्म का पालन करवा दीजिए। भरत जी बोले भैया मैं धर्म तो जानता नहीं हूं, प्रयाग में मिल रहा था छोड़ के चला आया मैं, मेरे लिए एक ही धर्म है कि आखिरी सांस तक आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है, आप आज्ञा दीजिए। राम जी बोले यदि मुझे ही बोलना है तो मैं बोल देता हूं, भाई चलिए आज हम और आप मिल के बंटवारा कर लेते हैं।
जैसे राम जी ने बंटवारा कहा, भरत जी कहाँ गए? कहें भैया संपत्ति को मैंने भी ठोकर मारा है, उस संपत्ति को आपने भी ठोकर मारा, और आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले, बंटवारा करेंगे भाई, लेकिन संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। संपत्ति तो सब बांटते हैं, जीवन में इस बात का ध्यान रखिएगा, ढूंढिएगा वो कौन है जो आपकी विपत्ति बांटने को तैयार हो गया। यदि अपने भाई से बंटवारा करना है तो संपत्ति का बंटवारा ना करिए माई बाप, बांटना है तो अपने भाई से विपत्ति का बंटवारा करिए। भगवान से कहिए कि प्रभु उतनी ही संपत्ति हो पास में कि मतिया ना बहुरा जाए। घर में संपत्ति बढ़ने लगती है तो अपना भाई ही शत्रु दिखाई देने लगता है साहब। यदि संपत्ति आने के बाद भाई से अलग हो जाना है तो अच्छा है कि गरीब बन के रहा जाए माई बाप, कम से कम भाई तो साथ में रहेगा। यहां राम जी ने कहा संपत्ति नहीं विपत्ति बांटेंगे। कैसे? 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष मेरे भरत जाके अयोध्या में रहेंगे। ये बंटवारा हुआ है। लोग चाहते कि हमार लड़का एक में बने रहे और अपने भाई से अलग हो जाते हैं। भूल कर भी सावधान रहिएगा, आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपके जीते जी अलग ना हो तो अपने संतान के सामने आप अपने भाई से अलग मत होइए। बच्चे जो देखेंगे वही पालन करेंगे। अरे जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, तब तब काटे धाई अंगना दुआर तोहरा। कब? जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा। राम जी बोले विपत्ति बांटेंगे, आप अयोध्या जाइए। भरत जी चरणों में लौट गए, कहें भैया हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं, आज ही तिलक हो जाए। बोले नहीं, 14 वर्ष बाद। अत्रि मुनि जहां कहें वहां रख दीजिए। आप जब आज भी चित्रकूट से बांदा जाएंगे तो बीच में कुआं पड़ता है। अत्रि मुनि जाकर उस कुएं में सारी राज्याभिषेक की सामग्री डलवा दिए और बोले भरत आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ेगा, और जो भी मनुष्य इस कुएं के जल को एक बार भी अपने ऊपर छिड़क लेगा उसे उसी समय धरती के समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा, उस कूप की महिमा रहेगी। राम जी से आज्ञा लेकर भरत जी 5 दिन चित्रकूट का दर्शन किए। 6वें दिन आखिरी बैठकी है, 5वीं बैठकी विदा का समय आया। राम जी ने खूब सिखाया भरत जी को कैसे रहना है क्या करना है। भरत जी से राम जी बोले भाई आप मुखिया होके जा रहे हैं, घर के मुखिया को जानते हैं कैसा होना चाहिए। हम लोग 5वीं कक्षा में थे तो एक दोहा पढ़े थे, वो यही दोहा था। राम जी भरत जी से कहते हैं भाई मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूं ए पालई पोसई सकल अन तुलसी सहित विवे। राम जी बोले भाई मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए। अच्छा आप बताइए दाहिने हाथ में और बाएं हाथ में सबसे अधिक काम कौन सा हाथ करता है? दाहिना हाथ। ठीक, मुख कभी सोचता है क्या कि दाहिने हाथ को ज्यादा प्रोटीन भेजा जाए बाएं को कम? करता है क्या?
मुख भोजन लेता है तो सिर से लेकर पांव तक जितने अंग हैं सबका बराबर पोषण करता है। राम जी बोले, भरत आप मुखिया हैं, मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए, मुखिया को परिवारी जनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। ये मुखिया का लक्षण। आगे दर्शन करिए, हाथ टूट जाए तो काम करना बंद, आंख में फोड़ा हो जाए तो आंख देखना बंद, पांव में चोट लग जाए तो पांव चलना बंद, मुंह में घाव हो जाए, जरी जाए, कट जाए, लेकिन मुख अपना काम बंद नहीं करता। क्यों? मुखिया है, जानता है कि हम बंद भइनी तो देहिये समाप्त हो जाए। उसी प्रकार घर के सभी सदस्य को रूठने का अधिकार है, परंतु जो घर का मुखिया है, मुखिया को रूठने का कोई अधिकार नहीं है। मुखिया रूठ गया तो परिवार समाप्त हो जाएगा। जितना राम जी को समझाना था समझाएं, भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। यहां पर भरत जी को देने के लिए राम जी का एक नवीन अवतार भया, उस अवतार का नाम है पादुका अवतार। क्या नाम है? पादुका अवतार। पादुकाओं को प्रभु ने दिया। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीत धरि भरत मुदित अवलंब लहे ते, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते। जैसे प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत जी ने पादुकाओं को सिर पे धारण किया, उनको लगा मानो पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीता राम जी ही अयोध्या वापस जा रहे हो। राम जी भरत जी दोनों भैया मिले, बहुत रोए आज दोनों भैया। दोनों समाज को, मिथिला एवं अवध के समाज को यथा योग्य दंड प्रणाम करके भगवान ने चित्रकूट